हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रूट रूट का जोड़। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे हैं देखिए, रूट टू है प्लस फाइव रूट टू है, तो रूट टू है यानी रूट टू है, यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ वन मान सकते हैं ना, इसका वन है। तो वन रूट टू और प्लस फाइव रूट टू यानी वन और फाइव क्या हो जाएगा, सिक्स। और रूट टू है तो रूट टू। अब आगे देखिए, रूट थ्री है प्लस सिक्स रूट थ्री है, तो यहाँ कुछ भी नहीं तो वन मान सकते हैं। तो वन रूट थ्री और प्लस सिक्स रूट थ्री क्या हो जाएगा, सेवन रूट थ्री। अब आगे देखिए, यहाँ रूट फोर है प्लस फोर रूट फोर है, यहाँ कुछ भी नहीं तो वन मान सकते हैं। तो वन रूट फोर प्लस फोर रूट फोर हो जाएगा वन रूट फोर, और फोर रूट फोर हो जाएगा आपका फाइव रूट फोर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ नाइन रूट थ्री है प्लस सिक्स रूट टू है। देखिए रूट में यहाँ डिफरेंट यहाँ आ गया, यहाँ रूट थ्री है, यहाँ रूट टू है, तो ये नहीं जुट पाएगा। तो इसको ऐसा ही लिख देंगे, रूट थ्री प्लस सिक्स रूट टू, इसका यही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए अब क्या है, दस रूट सिक्स है प्लस वन रूट सेवन है, यहाँ भी डिफरेंट आ गया, रूट सिक्स है और रूट सेवन है, ये भी नहीं जुट पाएगा। तो इसको ऐसा ही लिख देंगे, दस रूट सिक्स प्लस वन है तो वन तो गुना होगा, तो इस रूट सेवन रह जाएगा, तो यहाँ रूट सेवन। चलिए हम लोग रूट का जोड़ तो देख चुके हैं, अब हम लोग सॉल्व करेंगे रूट का घटाव। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ रूट टू है और माइनस रूट टू है, यानी वन रूट टू और माइनस वन रूट टू, यानी तो क्या हो जाएगा, जीरो। अब आगे बढ़ते हैं, टू रूट थ्री है माइनस वन रूट थ्री, यहाँ कुछ भी नहीं तो वन मान सकते हैं ना। तो रूट टू रूट थ्री माइनस वन रूट थ्री दोनों इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री। टू रूट थ्री में से रूट थ्री जाएगा तो रूट थ्री। आगे बढ़ते हैं, टू रूट फाइव है माइनस फोर रूट फाइव है, यहाँ देखिए टू रूट फाइव माइनस फोर रूट फाइव, फोर रूट फाइव बड़ा है और टू रूट फाइव छोटा है, और बड़ा वाला माइनस में है तो यहाँ माइनस में आएगा, तो टू रूट फाइव। आगे बढ़ते हैं, यहाँ थ्री रूट थ्री है माइनस टू रूट थ्री है, तो थ्री रूट थ्री में से टू रूट टू जाएगा तो क्या बचेगा, रूट थ्री बचेगा। देखिए थ्री रूट थ्री में से टू रूट थ्री यानी टू में से थ्री में से टू गया तो रूट थ्री बचेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या है, फोर रूट सिक्स है माइनस फोर रूट फोर है, यहाँ भी डिफरेंट आ गया, रूट सिक्स है और यहाँ रूट फोर है, रूट डिफरेंट है तो नहीं घट पाएगा, तो यहाँ सेम हो जाएगा, फोर रूट सिक्स माइनस फोर रूट फोर, इसका यही आंसर हो जाएगा।